नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं आपके साथ प्राची। किसानों के आंदोलन के दूसरे दिन बुधवार को भी प्रदर्शनकारी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे रहे। आज गुरुवार को भी एक बार फिर से किसानों का मार्च शुरू होगा। किसानों का विरोध जारी है, उनका दिल्ली चलो मार्च जारी है। आज दिन में मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक होगी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज हमारे मंत्रियों के साथ बैठक है और हम चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे बातचीत करें। आगे उन्होंने अपनी क्या क्या मांगे रखी, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाज़त दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है, सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2+50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2+100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए, और भी पहले मानी हुई हमारी मांगे हैं। एक मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, जो बोलते थे हम स्टेक होल्डर से बात करके आएंगे, हाँ उनमें किया क्या है कि जो भी स्टेट सरकार किसान को और किसी को भी सब्सिडी देना चाहती है उसका प्रावधान कर दिया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। पर हमारी मांग यह रही है कि ये निजीकरण की नीति है, इसे लाना नहीं चाहिए। जब पहले के कानून 1948 का बिजली एक्ट था, जब उसे तोड़कर 2003 एक्ट आया तो प्राइवेट कॉरपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब जब 2023 एक्ट आया है तो प्राइवेट कॉरपोरेट को बिजली के दाम तय करने के भी अधिकार मिल गए हैं। इससे पूरे देश के आम लोग, साधारण जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा अधिक बिल देने का। तो देखिए, और जो बोल रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले श्री पीयूष गोयल जी के महकमे ने जो ऑर्डिनेंस किया था बिजली वंड लाइसेंस निजम 2022, तो इसका नोटिफिकेशन तो पहले कर चुके हैं, जिससे जो हमारे ग्रिड्स हैं वो प्राइवेट कॉरपोरेट के पास जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे आज इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आए जैसे हमारा जो मोर्चे का हल हो सके। सरकार पूरी तरह किसान आंदोलन को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है, हम चाहेंगे इसके बारे में दोबारा सोचा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है, और सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।